नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी विपक्षना में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पतालों में महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया है। केजरीवाल महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में उनके सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है वो अब खुलकर सामने आ गया है। एक ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है बुराड़ी के सरकारी अस्पताल को लेकर, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और जिसने भी सुना है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या आरोप लगा है सरकारी अस्पताल पर, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दे। दिल्ली के अस्पताल पर गंभीर आरोप, केजरीवाल के अस्पतालों की खुली पोल, महिला ने बताई दिल्ली के अस्पताल की हकीकत, केजरीवाल सरकार में एक और घोटाले से हड़कंप। दिल्ली में रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब एक बार फिर से केजरीवाल के अस्पताल, जिनकी मिसालें केजरीवाल देते हैं, उसको लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी के एक सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने काम देने के एवज में शारीरिक शोषण किए जाने का गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दिया है। महिलाओं का कहना है कि उनके शीर्ष अधिकारी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं और ऐसा ना करने पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। महिलाओं की तरफ से गंभीर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी अस्पताल में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण होता है। दरअसल आपको बता दें कि बुराड़ी में मौजूद दिल्ली सरकार के इस अस्पताल के बाहर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही, उन्हें पूरी ड्यूटी दिए जाने के वजह में उनके अधिकारी उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं और रिश्वत भी मांगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में नया मोड़ तो तब आ गया जब महिलाओं ने ना केवल दिल्ली के सरकारी अस्पताल बल्कि आम आदमी पार्टी के विधायक पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल महिलाओं ने कहा कि अस्पताल में आपके स्थानीय विधायक संजीव झा के लोग भी हैं और उनके सहयोग से ये कुकर्म किया जाता है। महिलाओं ने कहा कि संजीव झा के लोग पैसे लेकर लोगों को नौकरी देते हैं, साथ ही आरोपितों को भी बचाने का काम करते हैं। महिलाओं ने आप विधायक और उसके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक बुराड़ी में मौजूद दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में मेडिकल के अतिरिक्त तमाम स्टाफ को आउटसोर्सिंग से रखा जाता है। इसके तहत एक कंपनी ग्लोबल वेंचर यह काम करती है। इसका काम इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके काम की देखरेख होता है। यह भी सामने आया है कि यह कर्मचारियों को रखने के लिए रिश्वत ली गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में सुपरवाइजर और मैनेजर पद पर काम करने वाले नीरज शर्मा, राजकुमार और आदेश नाम के शख्स पर ये आरोप लगाए गए हैं। एक महिला कर्मचारी का कहना है कि उसे इन अधिकारियों के करतूतों के बारे में सब पता है। महिलाओं के प्रदर्शन के इस वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके आरोप सुने जा सकते हैं। महिलाओं ने बताया कि इस अस्पताल के बेसमेंट में ये अधिकारी महिला कर्मचारियों को बुलाते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। उनका कहना था कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार ना होने वाली महिलाओं को अस्पताल में मात्र 15 दिन काम दिया जाता था। अधिकारी महिलाओं से कहते थे कि उनके साथ एक रात सोने पर वह काम के दिन बढ़ाकर 20 से 25 कर देंगे। महिला का कहना है कि अगर अस्पताल के बेसमेंट के सीसीटीवी की जांच करवाई जाए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने इस मामले में स्थानीय आप विधायक संजीव झा का संबंध बताया है। महिला का कहना है कि नीरज और राजकुमार यहां काम करने वाली महिलाओं से एक एक करके अकेले में मिलने को कहते हैं। उन्हें इस मामले में आवाज उठाने से भी रोका जाता था। जिन महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकाया भी गया है। इसके अलावा एक महिला से मारपीट की भी घटना सामने आई है। उसके साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में महिला ने दिल्ली पुलिस के पास मामला भी दर्ज करवाया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में उत्तरी दिल्ली के डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में महिला ने 17 और 19 दिसंबर 2023 को मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
पुलिस का कहना है कि सभी चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354, 506, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक और घोटाले ने खलबली मचा दी है और लोगों को हैरान कर दिया है कि आखिर दिल्ली में कितने और घोटाले देखने को मिलेंगे। जनता के पैसों से कैसे दिल्ली की सरकार में बैठे लोग अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं, और जब इनके काले कारनामे सबके सामने आते हैं तो ये मुंह छिपाकर भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल दिल्ली में जो नया घोटाला सामने आया है वो है दवाइयों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, दवाइयां जो जिंदगी बचाती हैं, लेकिन दिल्ली में इन दवाइयों के नाम पर भी घोटाले की बू आ रही है। दरअसल दिल्ली सरकार पर एक और घोटाला करने का आरोप लग गया है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को नकली दवाएं देने का आरोप है। लोगों की शिकायत के बाद दवाओं की टेस्टिंग हुई है। इस जांच के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश और अस्पताल से नकली दवाएं हटाने के निर्देश भी दिए हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नकली दवाएं खरीदी हैं। दवाई की खरीद में गड़बड़ झाला सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, लेकिन अब वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी कर रही है। खुराना ने कहा कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल है कि दिल्ली में कब से इन नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा था? मरीजों को नकली दवाइयां देने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा। वह लोगों, भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि जब से यह सरकार आई है इसके घोटाले सामने आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को ऐसी दवाएं दी गई जो जानलेवा साबित हुई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता नहीं है, यह सरकार की केवल भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब भरने का काम कर रही है। कमीशन के लिए नकली दवाइयां मंगाई गई होंगी। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार क्या कर रही थी? भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि इन लोगों ने दवाइयों में घोटाला कर दिया। केजरीवाल सरकार हर जगह घोटाला कर रही है। जल बोर्ड, डीटीसी, अपना घर बनाने में घोटाला, हर जगह घोटाला ही घोटाला है। ये बड़ा मामला है, इसमें दिल्ली सरकार के लोग शामिल हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने दिल्ली के अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की जांच की थी। इस जांच में दवाइयों के 10% नमूने फेल हो गए, जिसके रिपोर्ट के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की है कि चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए और ज्यादा सैंपल की जांच होनी चाहिए। विजिलेंस विभाग के रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमले किए। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। पहले लोगों की जिंदगी से खेलने का आरोप लगा और अब महिलाओं के गंभीर आरोपों के बाद सियासत भी खूब गर्मा गई है, और इसके बाद अब केजरीवाल सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों के बाद क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।